इमरान की मदरसा आर्मी सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन ये जमीनी हकीकत पीओके में खुलेआम नजर आ जाएगी। इस आर्मी के पीछे कोई और नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, जो किसी भी सूरत में आतंकवाद को जिंदा रखने का मंसूबा पाले हुए है। असल में इस मदरसा आर्मी का इस्तेमाल आईएसआई पीओके के भीतर इमरान सरकार और पाकिस्तान की सेना की तारीफों के पुल बांधने के लिए कर रही है। साथ ही इस आर्मी के जरिए वो पीओके में आजादी के हक में उठती आवाजों को दबाने की भी कोशिश कर रही है, और इसके लिए उसने बाकायदा तनख्वाह पर रखे अपने मौलवियों को इनके हवाले कर दिया है। ये वो मौलवी हैं जो जिहाद के नाम पर बच्चों के कंधों पर आतंकी बंदूक रख रहे हैं। पीओके में बहुत बड़ी साजिश, आईएसआई ने रचा खतरनाक प्लान, बच्चों के कंधों पर आतंक की बंदूक। ये तस्वीरें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सामने आई है। यहाँ नौजवान और बच्चों की भीड़ है, बैनर और पोस्टर हैं, और एक सुलगती हुई आग। यहाँ सुलग रही आग की राख में छिपी है पाकिस्तान सरकार की ऐसी खतरनाक साजिश, जिसे खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बहुत शातिर तरीके से भीड़ का हिस्सा बना रखा है, जिसे हम अब परत दर परत बेपर्दा करेंगे। लेकिन हम इस सच को उधेड़े उससे पहले जरा इस तकरीर को सुन लीजिए, क्योंकि इन जनाब ने पाकिस्तान की सेना के जुल्मों सितम के खिलाफ अपना मुंह खोला, और ये बात आईएसआई के एजेंट को अखर गई। आर्मी जो है ये पाकिस्तान के मजलूम मकबूल आवाम का खून चूसने वाली आर्मी है, ये कभी दुश्मन के सामने खड़ी नहीं हुई है। ये आईएसआई एमएसआई एमआई क्या लगे ये यहाँ खौफ भराज पैदा करवाते हैं। ये तस्वीरें पीओके के मुजफ्फराबाद से सामने आई, और हम यहाँ जिस साजिश का जिक्र कर रहे हैं वो इसी वीडियो में दिख रही भीड़ में शामिल बच्चों की शक्ल में नजर आ जाएगी। न्यूज 18 को मिले इस एक्सक्लूसिव वीडियो में जो भीड़ नजर आ रही है, असल में ये भीड़ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ताजा चाल का जीता जागता सबूत है। यहाँ पीओके में पाकिस्तान की सेना उन उठती हुई आवाजों को दबाने की मुहिम में है, जो यहाँ पाकिस्तान की इमरान सरकार को कोस दी। जालम के खिलाफ है, हम काबस के खिलाफ है। तमाशा ये है, मैंने कहा ना यही फर्क है श्रीनगर वालों में और हम। 10 लाख फौज नाकू चने चुमा रहे हैं उसको, फौजियों को हिम्मत नहीं है, बाग से बाहर आए। पीओके में पिछले काफी अरसे से लोगों ने पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लिहाजा पाकिस्तान की सेना ने इस इलाके में अपनी सेना अपना आवाम मुहिम शुरू की है। असल में इस मुहिम की आड़ में पाकिस्तान की सेना ने इमरान सरकार के खिलाफ उठती लोगों की आवाज को दबाने के लिए बाकायदा एक रणनीति तैयार की, जिसकी एक वानगी इस वीडियो में नजर आई। पीओके के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने अब यहां के गांवों में चल रहे मदरसों को अपने निशाने पर लिया है, तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और नौजवानों को अपनी साजिश का नया हथियार बनाया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई गांव के मदरसों में मौलवियों को डरा धमका कर अपनी साजिश का हिस्सा बना रही है, और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ उठती आम लोगों की आवाजों को दबाने के लिए कुछ ऐसी रैलियों को प्रायोजित कर रही है जिनमें बच्चे और नौजवान शिरकत करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी रैलियों में धार्मिक संगठनों को भी लोगों की आवाज दबाने के काम पर लगा दिया गया है। खबर यही है कि पीओके में कोटली बाग रावला कोट और मुजफ्फराबाद में
ऐसे मौलवियों की गिनती करीब 40 है जिन्हें पाकिस्तान की इमरान सरकार बाकायदा तनख्वाह देती है और जिनका ताल्लुक जमातुद दावा से बताया जा रहा है। उन्हें चंदा उगाही के साथ साथ रैलियों का आयोजन करने की जिम्मेदारी दी गई। इतना ही नहीं, मदरसे के बच्चों को उस रैली का हिस्सा बनाया जा सके इसकी खातिर बच्चों के माता पिता पर दबाव बनाने की जिम्मेदारी भी मौलवियों को सौंपी गई। ये कहना कि उनके लिए सरदर्द स्थापित हो सकता है, ये मैं समझता हूँ ये सरदर्द शुरू हो चुकी है, और ये नहीं कि मैं सरदर्द होगी, सरदर्द हो चुकी है, और ये सरदर्द जो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और इमरान खान के लिए है ये आगे वाले दिनों में और बढ़ती जाएगी। अभी पाकिस्तान को ये देखना है कि उस प्रकार की हालत ना बने जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान में बनी थी जिसके कारण बांग्लादेश बना। अगर इस प्रकार की बात चलती रही तो जिस प्रकार से 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बना, मुझे लगता है कि गिलगित बाल्टिस्तान के भी वही हालत हो जाएगी, और हो सकता है गिलगित बाल्टिस्तान फिर क्योंकि ये पहले से ही हिंदुस्तान का हिस्सा है ये वापस हिंदुस्तान में मिल जाएगा। हकीकत यह है कि पीओके में पाकिस्तान की सेना के जुल्मों सितम की वजह से आम लोग इस कदर भड़क चुके हैं कि अब लोगों ने खुलेआम पाकिस्तान की सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। ये वो आर्मी है जिसने बंगाल में 73,000 ने हथियार डाले और इस मुस्लिम उम्मा का नाम जो है शेखर जो है शर्म से झुकवा लिया। ये वो आर्मी है जिसने कारगिल में जो है ना क्या कहते हैं जिल्लत और रुसवाई का सामना किया। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट, मुल्तान के अलावा पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग और रावला कोट में मदरसों की आड़ में जिहादियों की पाठशाला चल रही है। पीओके में करीब 12 ऐसे मदरसे हैं जिनमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी बच्चों को जिहादी बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीओके के अलग अलग मदरसों में 14 से 19 साल की उम्र के बीच के करीब 200 ऐसे नौजवान हैं जिन्हें आत्मघाती हमलावर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये भी खबर है कि इन्हीं मदरसों में 100 के करीब 10 से 12 साल के बच्चे हैं जिनका ब्रेन वॉश हो रहा है। पीओके में अवाम की आजादी की आवाज दबाने और लोगों को डराने के मकसद से पाकिस्तान की सेना ने यहाँ के कई हिस्सों में आतंकी तंजीमों के ट्रेनिंग बेस बना रखे हैं। तो ये वही आतंकवादी हैं जो ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की आग भड़काने के लिए हर हद लांघ जाते हैं। इमरान मदरसा आर्मी के जरिए भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को धार देने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे पाकिस्तान का एक डर भी है। वो डर है भारत की बढ़ती सैन्य ताकत। भारत ने स्वदेशी तकनीक से बने अर्जुन मार्क 1A टैंक को सेना में शामिल कर लिया है, जिसकी खूबियों से पाकिस्तान इस कदर खौफजदा है कि उसने अपने टैंकों की हिफाजत के लिए विदेश से तकनीक आयात करने का फैसला किया है। इमरान खान ऐसी तकनीक हासिल करना चाहते हैं जिससे उनके टैंक किसी भी हमले से सुरक्षित रहें। लेकिन सवाल ये कि क्या विदेशी तकनीक से पाकिस्तान अपने पुराने और जंग पकड़ चुके टैंकों को बचा पाएगा? भारत के अर्जुन से कांपा पाकिस्तान। टैंक बचाने की तकनीक खरीदते इमरान खान। भारत की बढ़ती ताकत से बाजवा परेशान। पाकिस्तान के वजीरे आजम इमरान खान की नींद उड़ी हुई। इमरान के सेनापति कमर जावेद बाजवा के होश फाख्ता है। रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर में हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना खौफजदा है। जाहिर है
आपके जहन में भी सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आतंकिस्तान थर थर कांप रहा है। तो जवाब है भारत के इस नए युद्धवीर की आहट, जिसका नाम है अर्जुन। पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग का गोला बरसाने में सक्षम इस अर्जुन मार्क 1A टैंक को भारतीय सेना को सौंपा था, तो इसी हफ्ते रक्षा खरीद परिषद ने 118 स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क 1A की खरीद को आधिकारिक मंजूरी दे दी। भारतीय सेना विदेशों से जरूरी हथियार फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से खरीदने के साथ स्वदेशी तकनीक से अपनी ताकत को बढ़ा रही है। चीन और पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए अर्जुन मार्क 1A जैसे घातक टैंक सेना में शामिल कर रही है, तो हिंदुस्तान की इसी बढ़ती ताकत से आतंकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। भारतीय सेना में स्वदेशी टैंक अर्जुन के एडवांस वर्जन और ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग ने पाकिस्तान को अपने टैंकों की हिफाजत करने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के मेक इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे घातक टैंक और मिसाइल से अपने टैंकों को बचाने के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की खरीद को तेज कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने युद्धक टैंकों को भारत के अर्जुन टैंक और नाग मिसाइल से बचाने के लिए यूक्रेन का रुख कर रहा है। पाकिस्तान यूक्रेन से ऐसी तकनीक खरीदने की तैयारी कर रहा है जिससे उसके टैंक आग के गोले में तब्दील होने से बच सकते हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना अपने टैंकों के लिए 200 जेस्लॉन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यूक्रेन से खरीदने की तैयारी कर रहा है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यानी APS एक रडार बेस्ड सिस्टम है जो 1200 मीटर प्रति सेकंड तक की रफ्तार से आने वाले किसी भी मिसाइल को टैंक में लगने से पहले ही नष्ट कर देता है। यह सिस्टम 150 से 180 डिग्री की कवरेज में आने वाली किसी भी मिसाइल या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पहचान लेता है। पाकिस्तान के पास एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम आता है तो पाकिस्तान समझता है कि उसको उसके आर्मर को, उसके टैंक्स को काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा एंटी टैंक गाइड वेपन सिस्टम से। लेकिन ये उसकी भूल है कि ये प्रोटेक्शन अर्जुन टैंक के सामने ये प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होंगे, क्योंकि अर्जुन टैंक की जो पियर्सिंग क्षमता है वो उससे पाकिस्तान के टैंक्स को बचाव नहीं मिल पाएगा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाने वाली कंपनियों से जल्द जंग के मैदान वाले हालात को दिखाते हुए एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन देने को कहा है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी साल अगस्त में पाकिस्तान यूक्रेन से इस सिस्टम की खरीद का समझौता कर सकता है। सीरिया में तुर्की ने अपने टैंकों को मिसाइल अटैक से बचाने के लिए इसी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है कि यह सिस्टम कितना कारगर रहा। जबकि भारत ने स्वदेशी अर्जुन मार्क 1A और ATGM नाग मिसाइल को बेहतर तरीके से आजमा चुकी है। पाकिस्तान के पास ज्यादातर चीन और यूक्रेन की तकनीक पर आधारित टैंक हैं, तो कुछ टैंक पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर विकसित किए हैं जिनमें शामिल हैं अल खालिद और अल जरार टैंक। पाकिस्तान के पास यूक्रेन का T-80UD और चीन का टाइप 85-69-59 टैंक भी है, लेकिन भारत के अर्जुन मार्क 1A को किसी सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं है। स्वदेशी तकनीक से बने इस टैंक की बड़ी खासियत यह है कि इसका ट्रांसमिशन सिस्टम पहले से ज्यादा बेहतर है। ये ग्रेनेड और मिसाइलों के हमले ज्यादा मजबूती से झेल सकता है, तो रासायनिक हमले से बचाने के लिए इसमें खास सेंसर भी लगाए गए हैं। इसका मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर इसे एंटी टैंक हथियारों से चारों तरफ से सुरक्षा देता है। तो आपको बता दें, इसका लेजर वार्निंग सिस्टम पता लगा लेता है कि कहां से और किस तरह की वार्निंग यानी चेतावनी आ रही है, कहां से हमला हो सकता है। इस टैंक में ऐसा गोला बारूद है जो दुश्मन पर कम समय में और सटीक निशाना लगाने में मददगार होता है। इसमें स्वदेशी 120mm कैलिबर की राइफल गन है। इसमें हर तरह की रोशनी में काम करने वाली प्रणाली है। इस टैंक में जमीन से हवा में मार करने वाली मशीन गन भी लगी है। इसमें रात में देखने की सुविधा है जिसकी पहले के टैंकों में कमी थी।
और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। जो पाकिस्तान का जो टैंक प्रोफाइल है उसको यदि तुलना कीजिए हिंदुस्तान के प्रोफाइल से, तो हिंदुस्तान के पास विश्व के जाने माने T-90 भीष्मा टैंक्स हैं, T-72 अजय टैंक्स हैं, और हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर बन के जो अर्जुन टैंक्स बनाया है, अर्जुन Mark 1A, वो बहुत ही सुपीरियर है। उसकी जो आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सैबो है, APFSDS एमनिशन है, वो बहुत ही कारगर और प्रभावशाली है। जाहिर है पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास ऐसे घातक टैंक हैं जो जंग के मैदान में इमरान आर्मी के पसीने छुड़ा सकते हैं। तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान यूक्रेन और चीन की तकनीक से बने टैंक और इन टैंकों को बचाने का रक्षा कवच तैयार करने में जुटा है। लेकिन पाकिस्तान लाख तैयारियां कर ले, भारत से टक्कर लेना उसके बस की बात नहीं।